हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MNP नॉलेज स्कूल। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है MNP कमेंट बॉक्स। आप हमारे चैनल पे कई सवाल पूछते रहते हैं और उसमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इस सीरीज़ में हम कोशिश ये करेंगे कि उन सवालों के जवाब दें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स को फ़ायदा हो सके। सवाल आपके, जवाब हमारे। तो इस सिलसिले में आज MNP कमेंट बॉक्स का पहला एपिसोड है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल इंश्योरेंस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड और बाकी सवाल जो हमारे चैनल पे पूछे जाते हैं, उनमें से जो इम्पॉर्टेंट सवाल हैं उनके जवाब इस वीडियो में आपको मिलने जा रहे हैं। तो बिना समय गवाए आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल के बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे जब भी चैनल पर नया वीडियो आए उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना से रिलेटेड, पूछा है श्री प्रकाश गोटे जी ने। इन्होंने पूछा है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों 15 लाख की पॉलिसी अलग अलग लेते हैं तो दोनों की एज 60 साल से ऊपर होना जरूरी है, प्लीज़ रिप्लाई। तो प्रकाश जी, बिल्कुल ज़रूरी है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में हस्बैंड और वाइफ दोनों की एज 60 साल से ऊपर होनी चाहिए और इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एक व्यक्ति 15 लाख तक के प्रीमियम का कर सकता है। दूसरा सवाल है कबीर तिवारी जी का। कबीर जी ने पूछा है LIC के IPO के बारे में कि वैसे LIC का IPO कब तक आ सकता है। देखिए, LIC के IPO सरकार चाहती है लाना, कब तक आ सकता है ये कहना अभी मुश्किल है। सरकार ने भी कुछ दिन पहले इसके प्रोसेस में कुछ स्टेप्स लिए हैं, लेकिन अभी ये कब तक आएगा ये क्लियर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हो सकता है कि इस फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग के समय आए, या हो सकता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी आ सकता है, अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है, जब आएगी तो आपको हमारे चैनल पर जानकारी ज़रूर मिल जाएगी। तीसरा सवाल है PPF सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र, NSC एक्सेट्रा के जो जून के 2020 के इंटरेस्ट रेट्स हैं उस पर RK सॉन्ग्स ने पूछा है कि सर, इंटरेस्ट रेट जुलाई में घटेगा या बढ़ेगा, बता सकते हैं क्या? देखिए, अब इंटरेस्ट रेट प्रेडिक्ट करना तो काफ़ी मुश्किल है। वैसे लास्ट जो मार्च एंड में जो तिमाही का जो PPF और बाकी पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी गिरे थे और एक दो अखबारों में भी आया था कि फिर गिरने वाला है, लेकिन ये कहना कि घटेगा या बढ़ेगा ये भी मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि अभी हो सकता है कि एक दो दिनों में सरकार इसकी डिक्लेरेशन करे और जब इसका डिक्लेरेशन हो जाएगा तो हम अपने चैनल पे इसकी जानकारी आपको ज़रूर दे देंगे। अगला सवाल LIC एजेंट एग्ज़ाम पे है। RM ने पूछा है कि सर, रिजल्ट कितने दिन बाद आता है? देखिए, LIC एजेंट का जो एग्ज़ाम होता है वो 1 घंटे का होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, और जैसे ही आप 1 घंटे का एग्ज़ाम का टेस्ट पूरा करते हैं, सबमिट करते हैं उस एग्ज़ाम को, तुरंत आपका रिजल्ट सामने आ जाता है। कितने नंबर आप पाए हैं, कितने परसेंटेज आप पाए हैं, वो सामने आपको दिख जाता है। तो इसका आंसर है कि ये तुरंत आ जाता है। अगला सवाल है फ्री फायर गेमिंग का। इन्होंने पूछा है कि सर, जीवन उमंग में एक मुश्त राशि जमा कर सकते हैं, यदि हाँ तो कितना मिनिमम देना होगा? तो फ्री फायर गेमिंग जी, देखिए, जीवन उमंग में एक मुश्त यानी सिंगल प्रीमियम जमा नहीं होता है। इसमें आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली मोड में प्रीमियम जमा कर सकते हैं। अगर आपको एक मुश्त जमा करना है, सिंगल प्रीमियम जमा करना है, तो आपके पास ऑप्शन LIC के जीवन शांति का है। और आज का जो आखिरी सवाल है वो मुकेश खत्री जी का है। इन्होंने पूछा है कि बोनस कैलकुलेशन के लिए किस ईयर में बोनस रेट हम लेंगे? देखिए, जितने साल की आपकी पॉलिसी होती है उतने साल LIC बोनस डिक्लेयर करती है और आपके पॉलिसी में ऐड होता है।
जैसे अभी जो चल रहा है साल 2020-21, इसका बोनस बहुत जल्दी डिक्लेयर होगा तो आपकी पॉलिसी में ऐड होगा। पहले का अगर आप बोनस देखना चाहते हैं तो LIC की वेबसाइट पे हर साल का बोनस रेट डिक्लेयर है, वो पर 1000 डिक्लेयर होता है, आपकी पॉलिसी में ऐड होता है। और अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने पॉलिसी का स्टेटस चेक कर लेंगे तो अब तक आपको कितना बोनस मिला है वो दिख जाएगा। और अगर बोनस आप कैलकुलेट करते हैं तो हर साल के बोनस को अपने पॉलिसी के समय शोर्ड में ऐड करिए तो टोटल आपका बोनस आपको अब तक का दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का MNP कमेंट बॉक्स का पहला एपिसोड। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हम हर हफ्ते कोशिश करेंगे कि कमेंट बॉक्स लाने के लिए, जिससे कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें सबको हेल्प हो सकता है वो हम अपने इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शामिल करेंगे, उसके आंसर देंगे, और जो भी आपके सवाल हैं आप पूछते रहिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, लोगों से शेयर करिए, और ऐसे ही अगर नॉलेजेबल वीडियोज़ देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो तक हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।